हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से जब पेपर मिलेगा आपको तो यहाँ पे आपको नीचे एक लेटर लिखने के लिए आता है और एक एप्लीकेशन लिखने के लिए यहाँ पे आता है। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना रहता है। यहाँ पे आप सभी को सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है यहाँ पे कराने वाले हैं, इस एप्लीकेशन को बस आप सीख लीजिए। 4 मार्च के पेपर में जाके आप सेम टू सेम छाप के आएंगे, ठीक है। तो देखिए, ये इस प्रकार से आपके 4 नंबर का एप्लीकेशन आता है। तो देखिए, यहाँ पे आप सभी को एक एप्लीकेशन बताएंगे। आप एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका यदि आप सीख गए, ठीक है, यदि एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका सीख गए तो इसमें से संबंधित जितने भी एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ रहा है, कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको लीव पे, मतलब लीव पे छुट्टी, जैसे आपको 2 दिन का स्कूल में छुट्टी चाहिए या आपके बहन या भाई का शादी पड़ा उसके लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको लिखने का क्या तरीका है। फिर इसके अलावा आपको फ़ीस माफ़ी के लिए यानी कंसेशन ऑफ फीस यानी फ़ीस माफ़ी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, ये तरीका बताएंगे। साथ में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम, या कंप्लेन करना है जैसे आपके स्कूल में वाटर नहीं सही आ रहा है उस पर आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। चेंज ऑफ आवर सब्जेक्ट यानी अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है तो कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे। साथ में फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी यानी अपने कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटी चाहते हैं तो अपने प्रिंसिपल को कैसे आप एप्लीकेशन लिखेंगे। तो ये होता है इतने सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए एप्लीकेशन है, जिसमें से आपको एक बताएंगे और आप सभी को बता देंगे किस तरीका से एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, 1 सेकेंड के लिए भी इसकी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि एप्लीकेशन फॉर लीव यानी लीव पे लिखना है तो आप कैसे लीव पे लिखेंगे। लीव मतलब होता है छुट्टी। छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे लिखना है, तो आपके मालिक बहन की शादी पड़ा उस पर आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर लिखिएगा 2, यहाँ पर कामा दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर लिखिएगा 2 द प्रिंसिपल। ये पैराग्राफ जैसे लिख रहे हैं इसी तरह प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए लिखा जाता है ना, प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर रहेगा कामा, फिर यहाँ पे आप एक कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, जो कॉलेज आपका होगा वो कॉलेज का नाम। चलिए, यहाँ पे एक कॉलेज का नाम हम लिख देते हैं, GCIC इंटर कॉलेज, यहाँ पे कामा कर दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं गाजीपुर लिख सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज या जौनपुर, जो जिस जिले से होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, फुल स्टॉप कर दीजिएगा। फिर यहाँ से देखिए आप सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको एप्लीकेशन लिखना किस पे है। तो यहाँ पर लिखिएगा सब्जेक्ट, ये आप सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से लिखिएगा और लिख दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन हो गया। अब यहाँ से देखिए लाइन छोड़ के लिखिएगा सर, ठीक है, सर लिखे कामा दीजिएगा और यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। पहले लाइन पे लिखा जाता मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, ठीक है, इतना लिख लिए। इतना देखिए, प्रत्येक एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन आपसे पूछेगा तो इतना पैराग्राफ एकदम याद रखिए कि इतना पैराग्राफ आपको लिखना रहता है। इसके बाद आपको जिस पे एप्लीकेशन लिखना है, जैसे आपकी बहन की शादी उस पे एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ से आप उसका डिटेल डालेंगे। तो देखिए कैसे आप डिटेल डालेंगे ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप पहले लिखिएगा, देखिए क्या लिखना है आपको कि माई सिस्टर्स, ठीक है, यहाँ माई सिस्टर्स लिखिएगा। और देखिए यहाँ से लिखना अब स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा माई सिस्टर्स वेडिंग, वेडिंग विल टेक प्लेस ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, चलिए डेट डाल देते हैं,
मान लीजिए आप जो भी कोई भी डेट डाल सकते हैं, इसमें डेट वाली बात नहीं, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, 19 अप्रैल यहाँ पे 2024 डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिएगा, फुल स्टॉप कर लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा सो आई, ठीक है, यहाँ से आई लिखिएगा, सो आई एम अनेबल, एम अनेबल टू अटेंड, टू अटेंड द कॉलेज, क्या लिखेंगे, द कॉलेज, कॉलेज यहाँ आप कर दीजिएगा फुल स्टॉप, यहाँ से आपका एप्लीकेशन हुआ कंप्लीट। बस आपको दो तीन लाइन क्या होता है, जिस पे एप्लीकेशन लिखना रहता है ना, उसके बारे में एक दो तीन लाइन अपने उसका कारण देना पड़ता है कि किस कारण से आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लाइन छोड़ देंगे फुल स्टॉप करने के बाद। अब देखिए अगला लाइन जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे आई कामा डियर फॉर, डियर फॉर कामा, फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट हो जाएगा यू टू ग्रांट, ग्रांट मी, ठीक है, ग्रांट मी इस तरह लिख देंगे। ग्रांट मी लिखने के बाद लिख दीजिएगा यहाँ पे लीव, बस हो गया। आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, मी लीव, छुट्टी के लिए चाहे तो लीव लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन, हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, आप नीचे लिख दीजिए थैंकिंग यू, क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू लिख दीजिएगा, या इसके अलावा आपको क्या लिखना पड़ता है और एक चीज़ बताते हैं, थैंकिंग यू लिख दीजिए, चलिए यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देते हैं, थैंकिंग यू हो गया। और देखिए आपको बाएं साइड में यहाँ पे लिखिएगा योर्स ओबीडियंटली, क्या लिखना है, योर्स ओबीडियंटली डी एंटली, योर सुबेडेंटली एक्स वाई जेड, नाम नहीं लिखा जाता था इसलिए एक्स वाई जेड लिख देंगे और अपने क्लास लिख देंगे, क्लास 10 में है तो क्लास एक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और इधर बगल में क्या करना है, बगल में आप डेट, अब जिस डेट को आप लिख रहे होंगे आप ये डेट डाल देंगे। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका होता है। अब यहाँ पे समझा देते हैं आपको, देखिए प्रत्येक एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि ये पैराग्राफ जो बताएं, यहाँ से पूरा ये पैराग्राफ एकदम याद कर लीजिए और यहाँ तक आई बैक टू सो डैट, यहाँ तक एकदम ये पैराग्राफ प्रत्येक एप्लीकेशन में लिखा जाता है, जितने भी एप्लीकेशन आपको समझाए हैं उसमें से कोई भी एप्लीकेशन आपका आ जाता है, इसमें से कोई भी एप्लीकेशन आ जाएगा, लीव के लिए, कंसेशन ऑफ फीस के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स के लिए, कंप्लेन चेंज ऑफ आवर सब्जेक्ट, फैसिलिटी ऑफ आवर लाइब्रेरी, जितने भी एप्लीकेशन होता है सभी एप्लीकेशन में इतना पैराग्राफ एकदम आँख मूंद के लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखना है एक दो लाइन आप क्या कीजिएगा उस पे कारण, आप जो रीज़न रहेगा उस रीज़न की एक दो लाइन लिख दीजिएगा। फिर देखिए आपको यहीं तक अपने मन से लिखना रहता है, फिर इसके बाद ये याद कर लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम सेम टू सेम प्रत्येक एप्लीकेशन में लिखना है। आई डियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ये लिखना ही है। अब जिस पे रहेगा लीव रहेगा तो लीव, फुल फी कंसेशन रहेगा तो यहाँ पर फुल फी कंसेशन लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा थैंकिंग यू, और ये योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जेड क्लास एक्स, और यहाँ पे डेट, ये पूरा पैराग्राफ एकदम आप रिपीट कर याद कर लीजिए और ये तो लाइन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे एप्लीकेशन लिखना, चाहे कोई भी एप्लीकेशन आ जाए, जैसे तरीका बता इसी तरीका से आप प्रत्येक एप्लीकेशन को लिखना रहेगा। चलिए आपको एक और एप्लीकेशन लिख के बता देते हैं। देखिए आपको अगला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस, यानी कंसेशन आप फीस पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तरीका एकदम सेम टू सेम, देखिए जैसे समझाएं उसी तरह आपको लिखना है, बस ये पैराग्राफ आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए एक दो बार देख लेंगे ना तो आपको देखते देखते पैराग्राफ याद हो जाएगा। पहले नंबर पे यहाँ क्या लिखना है आपको, टू लिखिएगा, टू लिखने के बाद कामा कर दीजिएगा, और प्रिंसिपल को लिखना है तो द प्रिंसिपल लिखिएगा, द प्रिंसी, देखिए प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल कामा, या हेडमास्टर, देखिए आपके जो पूछा रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हेडमास्टर रहेगा तो प्रिंसिपल की जगह पे हेडमास्टर लिखिएगा, ठीक है, द प्रिंसिपल। अब कॉलेज का नाम, एक कॉलेज का नाम कोई भी लिख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे GCIC ही लिख देते हैं, GCIC, ठीक है, इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज,
ठीक है, जी सी आई सी लिख दीजिए, जी आई सी आई लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए, बस कॉलेज का नाम एक होना चाहिए। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए, चलिए प्रयागराज डाल देते हैं, प्रयागराज। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, मिर्ज़ापुर, जो वाराणसी, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो या आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट को आपको किससे लिखना है, ब्लैक पेन से। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए किस पे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फीस ना, तो इसे ही यहाँ पे लिखा जाता है। ये आपके प्रश्न में रहेगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा एप्लीकेशन का उसमें लिखा रहता है, एप्लीकेशन फॉर कंसेशन इन फी। ठीक है, इस तरह आप ये सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर लिखिएगा यहाँ से, चलिए एक लाइन छोड़ के लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सर, कामा कीजिएगा, और जो द है इसके नीचे से लिखना है वही लाइन रख लीजिएगा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखना है, क्या लिखना है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली मोस्ट रिस्पेक्टफुली कामा आई बेग टू से डेट, आई बेग टू से डेट। ठीक, मतलब ये याद कर लीजिए, प्रत्येक एप्लीकेशन में इतना लाइन आपको लिखना है तो लिखना है, बस इतना समझ लीजिए। आई बैक टू से डैट हो गया। अब देखिए आपको फुल फी का सेशन चाहिए तो उस पर रीज़न दिखाना पड़ेगा, एक दो लाइन तो लिख दीजिएगा, आई एम स्टूडेंट, देखिए आई एम स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ क्लास यक्स मतलब क्लास टेन का ना, क्लास यक्स, माई फादर, फुल स्टॉप कर दिए, माई फादर इज ए पुअर, ठीक है, देख इज ए पुअर लिख देंगे, शॉपकीपर पुअर, ठीक है, इस तरह पुअर लिख दीजिएगा, शॉपकीपर यहाँ भी लिख लीजिएगा, शॉपकीपर हो गया। एंड लिख दीजिए, ही इज अनेबल टू पे इन फीस, टू पे द फीस, द फी, फुल स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, बस इतना ही रीज़न दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, देखिए ये तो इतना है, आप प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए इतना तो याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम याद होना चाहिए। ये दिखा दें, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मैं आपके क्लास 10 का छात्र हूँ, माई फादर इज ए पुअर शॉपकीपर, यानी मेरे पिताजी क्या है, गरीब दुकानदार हैं, एंड ही इज अनेबल टू पे द फीस, यानी वह फीस देने में असमर्थ हैं। बस हो गया, रीज़न भी दिखा दिए एक दो लाइन, फिर इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, ये हो गया ना, अब यहाँ से लिखिएगा जो लाइन बताए थे आपको, क्या बताए थे, आई डियर फोर कामा, ठीक है, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है, यू टू ग्रांट मी हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे इसके आ गया, ये तो लाइन आपको याद करने के लिए बताएं कि ये लाइन बस याद कर लीजिए। अब लिखेंगे ये क्या है, कंसेशन इन फीस है ना, तो यही लाइन आप लिखेंगे कंसेशन, चलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं, कंसेशन ऑफ फी, हो गया फुल स्टॉप। अब लास्ट में लिख दीजिए थैंकिंग, लिख दीजिएगा यहाँ पे थैंकिंग, मैं धन्यवाद कहने के लिए, थैंकिंग यू। अब यहाँ पर लास्ट में ये तो याद करना पड़ेगा, क्या याद करना है आपको, योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, ठीक है, क्लास जिस क्लास का लिखना, क्लास एक्स लिख दीजिएगा, और इधर अपना डेट डाल दीजिएगा।
ठीक, जिस डेट को लिख रहे हैं डेट डाल दें। अब बताइए एप्लीकेशन में क्या है, प्रत्येक एप्लीकेशन में देखिए यही चीज़ लिखा जा रहा है, आपको बस चेंजिंग कहाँ से आ रहा है, ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक याद किए हैं, बस चेंजिंग एक दो लाइन का आएगा जो अपने मन से कोई रीज़न आप दिखा देंगे, जिस पे फीस लिखना है वो रीज़न दिखा दीजिए, फिर इसके बाद देखिए ये लाइन तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही सेम टू सेम याद करना है, बस जो आपको करना है बस एक दो लाइन जो एप्लीकेशन चेंज होगा उसके बारे में एक दो लाइन बस हल्का से रीज़न दिखाइए, फिर ये पैराग्राफ सेम टू सेम मतलब रट लीजिए, यही पैराग्राफ कोई भी एप्लीकेशन रहेगा आप लिख के चले आइएगा, पूरे के पूरे चार नंबर करेगा तो चार नंबर आपको 100% मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको लिखना है। चलिए आप बता दें कुछ और इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आप लिखा गया, लिखने का तरीका पता चल गया, देखिए एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, माने गेम पे किसी प्रकार के गेम, हॉकी पे आ जाए, क्रिकेट पे आ जाए या कोई भी गेम पे आ जाए आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तरीका वही पूरा लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज डालिएगा प्रयागराज, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, इवनिंग गेम से है तो इवनिंग गेम डाल दीजिए, क्रिकेट है तो क्रिकेट डाल दीजिए, फिर यहाँ पे सर जो लाइन याद करने के लिए कहते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, ठीक। अब यहाँ से आप रीज़न डाल दीजिएगा, जैसे इवनिंग गेम को अपना उफा करना है तो यहाँ पर रीज़न डाल दीजिएगा दो लाइन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स आर एगर टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, बस हो गया, ये आप रीज़न एक दो लाइन दिखा दीजिए, ये लाइन तो आपको कहें याद करने के लिए, क्या याद करेंगे यहाँ पे, आई डियर फोर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम, ये तो याद करने के लिए इतना कहें, ये पैराग्राफ एप्लीकेशन में इतना आपको याद रखना है कि योर्स एविडेंटली XYZ क्लास एक्स, और यहाँ पे अपना डेट डाल दीजिए, ठीक है। चलिए एक आध और एप्लीकेशन दिखा देते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग टू चेंज ऑफ आवर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को चेंज करना है तो किस तरह लिखेंगे, सब तरीका वही है, टू लिखेंगे द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज प्रयागराज, अब देखते रहिए देखते देखते आपको याद हो जाएगा सिर्फ ना, इसीलिए बार बार कई एप्लीकेशन अलग अलग लिखे हैं जो आपको दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग टू चेंज ऑफ आवर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रहेगा जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा रहेगा वही यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया जाता है, सर लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल आई बेग टू से डैट, ठीक है। अब यहाँ से अपना एक दो लाइन का रीज़न दिखाएंगे, जैसे आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, आई थिंक आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क इन दिस जियोग्राफी, सो आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट, यानी जो चेंज करना है उस सब्जेक्ट के बारे में लिख देंगे, प्लेस ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा थैंकिंग यू योर स्टूडेंटली XYZ क्लास एक्स, और डेट इधर डाल दीजिए, देखिए पूरा पैराग्राफ वही है, जो चेंज हो रहा है सिर्फ यही बीच में एक दो लाइन चेंज हो रहा है जो अपने शब्दों में लिखना रहता है उसे, ठीक है। देखिए अगला एप्लीकेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट करवाना है तो कैसे लिखना है, ये भी तरीका आप देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज प्रयागराज, ठीक है, डालना है आपको, फिर इसके बाद सब्जेक्ट में रहेगा एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये तो सब्जेक्ट में हो जाएगा आपका, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, ठीक है, बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, माई फादर, ठीक है, यहाँ पे देखिए माई फादर हु हैज़ बीन वर्किंग हियर एज सीनियर इंजीनियर, ठीक है, सीनियर इंजीनियर सिंस जून 20/2/2024, ये अपना डेट डाल सकते हैं, हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू बॉम्बे, या कोई भी आप दिखा सकते हैं ट्रांसफ़र की कहाँ पे हुआ है, और ये लाइन तो आपको यादें रखना है, बताए थे कि आई डियर फॉर रिक्वेस्ट टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट एन ईयरली डेट, फिर यहाँ से योर स्टूडेंटली XYZ क्लास एक्स और डेट, देखिए आपको कितना सिंपल तरीका बताएं, बस जो पैराग्राफ बताएं उस पैराग्राफ को याद रखिए, फिर आप आसानी से एक दो लाइन बीच में लिख दीजिए, फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। एक एप्लीकेशन और दिखा देते हैं, ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, देखिए क्या है कि आपको लाइब्रेरी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है तो तरीका एकदम सेम टू सेम वही है, क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे टू द प्रिंसिपल GCIC इंटर कॉलेज आगरा, डालना है तो आगरा डाल दीजिए, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लाइब्रेरी, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर क्या डालेंगे लाइब्रेरी के लिए है, फिर इसके बाद देखिए तरीका वही है जितना बोले थे उतना ही बस आपको याद रखना है, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली कामा करके आई बेग टू से डैट, यहाँ तक तो याद रखना है आपको, दियर इज लाइब्रेरी इन अवर कॉलेज कैंपस, लाइब्रेरी इज मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, बस एक दो लाइन का रीज़न डाल दिए, ये पूरा सेम टू सेम तो इसे याद रखना है कि दियर फॉर आई रिक्वेस्ट यू प्रूव डैट लाइब्रेरी फैसिलिटी इन दिस सीजन,
और ये वाला लाइन तो याद है आपको कि योर्स एविडेंटली एक्स वाई जेड क्लास एक्स और डेट। देखिए ये था आपका एप्लीकेशन, जितना बताएं बस वो पैराग्राफ आप यहाँ से लेके, देखिए आपको एक बार और बता दें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पैराग्राफ को याद रखिए, फिर इसके बाद आप लाइन छोड़ के यहाँ से लेके पूरा ये पैराग्राफ याद रखिए, बस इतना आप याद रखिए। कोई भी एप्लीकेशन आ जाए इसको सेम टू सेम जाके छापिए, फिर बीच में एक दो लाइन अपना रीजन डाल दीजिए, रीजन डालने के बाद और लास्ट वाला जो लाइन बोले हैं ये सेम टू सेम जाके छाप दीजिएगा, आपको एग्जामिनर एकदम खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा, उस पर एक नंबर भी नहीं काटेगा, पूरा टोटल चार नंबर का प्रश्न है तो टोटल चार नंबर आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा और यह ट्रिक आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था आपको एक ही वीडियो में आप सभी को बता दिए हैं।